से कहें तो वो एक कंप्लीट क्रिस्टल है अपने आप में, जो कि सेल्फ क्लींजर और एनर्जाइजर है। क्योंकि ये जब हीटेड होता है, गर्म होता है, तो इसकी पावर्स और ज्यादा क्लीनिंग की बढ़ जाती है। इसके ब्रेसलेट बना के भी पहन सकते हैं, इसकी माला भी पहन सकते हैं। तो अब किस तरह से हमें क्रिस्टल्स को क्लीन करना है, वैदिक कल्चर के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। वैदिक कल्चर में आज हम आपको ले चलते हैं क्रिस्टल्स की दुनिया में। क्रिस्टल्स से बहुत ही ज्यादा लोगों का अटैचमेंट होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हैं और इनकी एनर्जी भी बहुत ही अच्छी लविंग एनर्जी होती है जो सभी को अट्रैक्ट करती है। बहुत से लोग हर जगह से तरह तरह के क्रिस्टल्स खरीदते हैं, लेकिन बाद में उन क्रिस्टल्स का उनको एक टाइम तक तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में उनको उसका निगेटिव रिजल्ट मिलने लगता है या रिजल्ट नहीं भी मिलता है। तो लोग सवाल करते हैं कि ये क्रिस्टल्स आपने दिए, तब एनर्जाइज करके दिए, अब हम इन्हें अगर क्लीन करें और री एनर्जाइज करें तो किस तरह से करें। तो इसके बहुत सारे मैथड हैं, मैं आपको इसके मैथड अलग अलग तरह से बताऊंगी कि किस किस तरह से आप क्रिस्टल्स को क्लीन और एनर्जाइज कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे आसान और इजी मेथड है वो मैं बताने जा रही हूँ आपको क्रिस्टल्स को क्लीन और एनर्जाइज करने का। हम सभी क्लीन क्यों करने की जरूरत होती है क्रिस्टल्स को, क्यों क्रिस्टल्स में निगेटिविटी आ जाती है। जब हम किसी भी क्रिस्टल को पहनते हैं तो हमारे ऑरा के अंदर और हमारे थॉट्स में, जो हमारे थॉट्स में वही हमारे ऑरा में आता है, वही हमारे प्लेस में आता है। तो वहाँ की जो भी वाइब्रेशंस होती हैं वो निगेटिव होती हैं, तो हमारे वो एनर्जीज क्रिस्टल्स की भी निगेटिव होती चली जाती हैं। तो इसके लिए वंस इन अ वीक यानी हफ्ते में एक बार कम से कम आपको अपने क्रिस्टल्स को साफ क्लीन कर लेना चाहिए और उनको री एनर्जाइज कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको उनकी पॉजिटिविटी हमेशा मिलती रहे। तो क्लीन करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको एक इजी सा तरीका बताने जा रही हूँ, क्योंकि हमारा जैसे भारतवर्ष है वो एक देव भूमि के रूप में है, तो सभी जगह देव स्थान है, वहाँ भगवान की पूजा की जाती है। हम अपने घर में भी देव स्थान में भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं। तो फूलों के द्वारा क्रिस्टल्स को क्लीन करना और री एनर्जाइज करना, हम देवों पे चढ़े हुए जो पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, उनको ऐसे ही फेंक देते हैं, उसको हम क्रिस्टल्स को क्लीन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और आप चाहें तो फ्रेश फ्लावर्स भी ला सकते हैं, जैसे अभी दो दिन पहले ही प्रदोष की पूजा गई है, तो वहां पर हमने महादेव का अभिषेक किया और उसमें काफी सारे फूल चढ़ाए गए, जिसमें से कि कुछ फूल मैं लेके आई हूँ आपको ये दिखाने के लिए कि किस तरह से आप देवों पे चढ़े हुए फूल जो होते हैं वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से एनर्जाइज होते हैं। तो उन फूलों से अगर आप अपने क्रिस्टल्स को क्लीन और एनर्जाइज करेंगे तो इसकी वाइब्रेशन आपको एक अलग ही तरह से मिलेगी, आपके क्रिस्टल्स में एक अलग ही पॉजिटिविटी आपको, वो देवों की, देवताओं की, मंदिर की जो ब्लेसिंग्स हैं वो सब आपको मिलेंगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, एक कोई भी क्रिस्टल को क्लीन करने के लिए ज्यादातर हम कांच का, ग्लास का, इस तरह क्रिस्टल का ही बाउल लें तो ज्यादा अच्छा है। किसी भी मेटल वगैरह में या प्लास्टिक में हम इन्हें क्लीन और एनर्जाइज नहीं करते हैं। तो आपके पास, जैसे ये मेरे पास कुछ क्रिस्टल्स हैं, अलग अलग तरह के एंजल्स हैं, पेबल्स में हैं, ब्रेसलेट्स हैं, माला है, पिरामिड्स हैं, हार्ट है, बहुत तरह के आपको क्रिस्टल्स यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। और ये एक कांच का ग्लास का, बेल्जियम ग्लास का ये बाउल है। अब इसमें क्या करना है, ये जो देवों से उतरे हुए फूल हैं, ये कुछ फूल यहाँ मैंने रखे हुए हैं, इन फूलों को आप लेकर के, इस तरह से फूल हैं, पूरे साबुत हैं, आप इन्हें साबुत भी इस तरह से रख सकते हैं फ्लावर्स को, या फिर आप इन्हें तोड़ लें, इन फूलों को तोड़ करके आप यहाँ पर एक लेयर बना लें। मेरे पास बहुत ज्यादा फ्लावर्स नहीं है क्योंकि परसों दो दिन हो गए हैं इसकी पूजा किए हुए प्रदोष की, तो कुछ फ्लावर्स सूख गए थे। जो सूखे हुए फ्लावर्स हैं वो आपको नहीं डालने हैं, जितने फ्रेश फ्लावर्स हैं वही डालें। ये इस तरह से एक लेयर यहाँ पर आपको बना लेनी है, जितने ज्यादा फूल होंगे उतना अच्छा है, अलग अलग कलर के फूल हों, रोज पेटल्स हों, व्हाइट कलर के फ्लावर्स हों, व्हाइट पेटल्स हों तो बहुत ही अच्छा है।
इस तरह से हम छांट छांट के अच्छे अच्छे पेटल्स लेंगे, जो ड्राई पेटल्स हैं वो नहीं लेंगे क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जी आ चुकी होती है। अब ये हम एक लेयर बना करके इसके ऊपर अपने क्रिस्टल्स को इस तरह से रखेंगे। जो भी आपके पास क्रिस्टल्स हैं उन्हें आप इसके ऊपर, ये पेबल्स हैं, ये अलग अलग पेबल्स को आप इस तरह से प्लेस कर देंगे यहाँ पर। आप खुला खुला रखें तो ज्यादा अच्छा है, एक के ऊपर एक चढ़ा के रखेंगे अगर हम क्रिस्टल्स को तो अच्छे से ये एनर्जाइज नहीं होंगे। आपके पास अगर एंजल्स हों इस तरह के तो आप एंजल्स को भी क्लीन करने के लिए इसके अंदर अलग अलग जगह पर प्लेस करें। और उसके बाद जो आपके पास रिमेनिंग फ्लावर्स हैं उन फ्लावर्स की पेटल्स को भी, या ज्यादा हैं आपके पास फूल तो उन फूलों को आप इस तरह से इसके ऊपर पूरा वापस से कवर कर दें। इस तरह से आपको सभी फूल यहाँ पे लगा देने हैं, जो खराब हो गए हैं उन्हें बिल्कुल निकाल दीजिए। ये आप सभी फूलों को इस तरह से हर एक क्रिस्टल को कवर कर दें, जितना अच्छे से कवर करेंगे उतना अच्छे से ये आपको आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे और एनर्जाइज हो जाएंगे। इसमें आपको ज्यादा एनर्जाइज कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फूल ऑलरेडी देवों पे चढ़े हुए हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स इसके अंदर है ही। जितने ज्यादा फूल होंगे उतना आपके लिए अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अब ये क्रिस्टल इस तरह सभी मैंने इसमें कवर कर दिए हैं फ्लावर्स में, और इसको हम उठा करके अपने किसी भी देव स्थान पे इस प्लेट को रख दें, या फिर आप किसी भी पॉजिटिव जगह पर अपने लिविंग रूम में जहां पर अच्छी वाइब्रेशंस हो वहां इस प्लेट को रख दें। करीब एक या दो घंटे तक आप इसे ऐसे ही रहने दें, उसके बाद आप सभी फ्लावर्स की पेटल्स में से जो भी आपके क्रिस्टल्स हैं उन्हें निकाल लें। ये क्रिस्टल्स आपके पूरी तरह से क्लीन और एनर्जाइज हो चुके हैं क्योंकि ये फ्लावर्स में ऑलरेडी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी थी। आप अगर फ्रेश फ्लावर लेते हैं तो आपको अपने क्रिस्टल्स को पहले पानी से वॉश कर लेना है, तब आप इसको फ्रेश फ्लावर्स में रखें। लेकिन अगर देवों के चढ़े हुए हैं तो आप बिना वॉश किए भी रखेंगे तो भी आपको आपके क्रिस्टल पूरी तरह से क्लीन और एनर्जाइज हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे कि आप अपने सभी क्रिस्टल्स को अच्छे से क्लीन और एनर्जाइज कर सकते हैं। आगे के पार्ट में मैं आपको क्रिस्टल्स को और किस किस तरह से क्लीन करते हैं कर सकते हैं वो सारे मेथड्स आपको बताऊंगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।